राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी के हिंडौली दौरे के दौरान अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर विफर गए। चांदना ने मौके पर भी पुलिस अधिकारियों को खरी खोटी सुनवाई। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में चांदना पुलिस अधिकारियों को चेताते दिख रहे हैं कि अवैध वसूली की दोबारा शिकायत मिली तो नौकरी नहीं कर पाओगे। चांदना कहते सुनाई दे रहे हैं कि 100 से 50 रुपए के लिए नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो इस तरीके से उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई भी पुलिस कर्मी या कोई भी शख्स इसमें संलिप्त पाया जाता है बख्शा नहीं जाएगा। झूठ बोलते हो तुम लोग, कैसे बोल रहे हो? ये कह रहे हो वहां पर बैठा हुआ है, इतना बड़ा लाड साहब हो गया हो? हेलो हेलो हाँ साहब, तुम यहाँ के नहीं आए? आप जब कभी हम आया था कल, आप टोल पे बैठ के वसूली कर रहे थे? रोज का काम ही इनका था। है रोज का काम ही रहते हैं? हाँ रोज का काम ही। ओम प्रकाश जी, टोल में नौकरी लगा दूंगा पुलिस की। 100 रुपए लेते हो, 200 रुपए लेते हो गरीब? ये 100-100 रुपए जो लेते हो ना गरीबों से, रोज पता लग गया कि यहाँ कोई वसूली हुई है अवैध इन लोगों से, तो नौकरी खराब कर दूंगा। ध्यान रखिए, 150 रुपए के चक्कर में जिंदगी भर की नौकरी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी आखिरी वार्निंग ही समझ लेना। भैया उसको क्या प्रॉब्लम है? झूठ बोलता है और इस बीच हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़े। भवानी, जिस तरीके से मंत्री अशोक चांदना का रुख, उनका स्टैंड सामने आया है, अब लगता है कि सूबे में या फिर उस इलाके में कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर मामले की बात करते, राज्य मंत्री का यहाँ पर दौरा था। इस दौरान जब ग्रामीणों की शिकायत राज्य मंत्री ने मंत्री से इन्होंने की पुलिस की, तो पुलिस के अधिकारी जो वहाँ थे इंदौली DYSP इंदौली थाना अधिकारी, उनको उन्होंने पहले लताड़ पिलाई और जनसुनवाई के दौरान जब ये शिकायत आई तो हेड कॉन्स्टेबल जब वहाँ नजर नहीं आया तो उनका जो पारा था और ज्यादा चढ़ा और उन्होंने सड़क पर रुककर हेड कॉन्स्टेबल को बुलाने की बात कही और मौके पर आने के बाद में हेड कॉन्स्टेबल को जबरदस्त फटकार लगाएगी। अच्छा, इस दौरान क्या कोई घटना सामने आई थी जब इस तरीके से वो गुस्से में आए और फटकार लगाया? देखिए, स्थानीय विधायक है, आम जनता का उनसे जुड़ाव है, पिछले 5 साल से पहले भी विधायक रहे हैं और स्थानीय विधायक अभी वर्तमान में, और अब राज्य सरकार में जब मंत्री, तो आम जनता कि अगर मंत्री नहीं सुनेगा क्योंकि जनता ने चुना है तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रवैया तो सामने आ ही रहा है, लेकिन पुलिस के लिए ये कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो रहा है। जहां चुनौती वो देते नजर आ रहे हैं कि आपकी नौकरी खराब कर दूंगा और आपको टोल पर ही परमानेंट नौकरी लगा दूंगा। जी, तो अब क्या इस जिले को लेकर हम मैसेज माने कि इस तरीके से अब जो घटनाएं होती थी जहां खुले तौर पे नहीं लेकिन अंदर खाने की, ये सच्चाई यही है कि पुलिस की मिली भगत रहती है ऐसे मामलों में, तो अब ऐसी घटनाओं को देखने नहीं मिलेगा? देखिए, जैसे कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी है, यहाँ के फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस मामले को वायरल होने से पहले ही चला दिया था। कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी अब इससे जो है सजग हो जाएंगे कि ऐसे जो कर्मचारी या ऐसे पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।